नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह एक निश्चित समय पर ग्रह गोचर करता है। दिसंबर महीने में भी कई ग्रह गोचर करने जा रहे हैं, वहीं नए साल की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि नया साल सभी के लिए सफलदायी और लाभदायी हो। ऐसे में दिसंबर का आखिरी महीना कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कई ग्रह दूसरी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार 28 दिसंबर को बुध और 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह वक्री अवस्था में 31 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रह गोचर का प्रभाव कुछ राशि के जातकों की किस्मत में जबरदस्त बदलाव लाने वाला है। इस दौरान विशेष धन लाभ होगा। ये जानते हैं कौन है वो राशियाँ। मेष राशि। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ग्रह गोचर से मेष राशि के जातकों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। कारोबार और कार्य क्षेत्र पे काम कर रहे लोगों के लिए समय फलदायी रहने वाला। वहीं अगर कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए काफी उत्तम है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को महीने के आखिरी में बुध का साथ मिलेगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो इस दौरान विशेष लाभ होगा। इस समय किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी इस समय अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। वहीं शुक्रदेव के गोचर से इसके शुभ और शुभ दोनों प्रभाव पड़ेंगे। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए भी यह समय बेहद फलदायी साबित होगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए भी यह समय अच्छा है। नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, करियर में भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, कारोबार में खूब मुनाफा कमाएंगे। वहीं बिजनेस में नया आइडिया आपको जबरदस्त लाभ पहुंचा सकता है।